इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं दीदी को कि क्या करना है करके। गाइस देखे ये सो गाइस अभी हम लोग जाने हैं ड्रेसिंग कार पे। खिलाएंगे भेलपुरी, पानी पूरी, चना बनाएंगे चटपटा, मुक्का बनाएंगे, जायका पहाड़ी पे कराएंगे। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये नैनीताल ट्रिप का पार्ट टू है और अभी हम लोग जाने वाले हैं 7 पॉइंट, तो इसलिए पार्ट टू बन रहा है। देखते हैं कि वहाँ क्या क्या होता है करके। अगर अच्छा होगा तो मैं व्लॉग बनाऊंगी और आपको पक्का दिखाऊंगी। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर टॉप में 7 पॉइंट व्यू देखने के लिए। बिरला विद्या रोड है ये। यहाँ से आगे रास्ता है एडवेंचर पार्क, स्नो व्यू। ये गाइज एडवेंचर पार्क। गाइज देखो ये अब हम लोगों ने एंटर कर दिया है। आगे से सर और दीदी जा रहे हैं और ये देखो गाइज और ये है मेन गेट। तो ये दोनों जा रहे हैं और अंकल जी हमें गाइड कर रहे हैं अभी। हाँ बस ये है साइकिलिंग वगैरह, पता नहीं क्या बोल। ये दोनों जा रहे हैं जिप लाइन करने के लिए दीदी और ये, तो मैं इनकी वीडियो बनाने वाली हूँ और मैं नहीं जा रही भाई वाला करने और मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझे लगती है बहुत ही ज़्यादा डर। सो ये दोनों अपना करते हैं, इनकी वीडियो बनाऊंगी मैं कुछ और करूँगी और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और कर पाऊँगी यहाँ पे करके। एक यहाँ पे पता नहीं क्या है, ये भी ठीक इंटरेस्टिंग ले जा रही है मुझे ऊपर को। तो ये हमें गाइड कर रहे हैं अंकल जी, तो देखते हैं कैसा करते हैं ये दोनों करके। मुझे तो वैसे भी हाइट से बहुत डर लगती है तो मैं नहीं कर रही हूँ गाइज, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ अपनी जिंदगी से। और ये दोनों यहाँ पे देखो ये दोनों रेडी हो रहे हैं। सो सर और दीदी रेडी हैं, ये देखो गाइज। सो ये फर्स्ट बार कर रही है और इसे डर लगती नहीं, देखते हैं गाइज। इज रेडी टू जिप लाइन। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं दीदी को कि क्या करना है करके। ये गाइस देखो गई गई गई, गाइस देखो गई 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 गई, ये देखो देखो गाइस। अब वहां पे कोई है नहीं है, पता नहीं है तो गाइस देखो वो खड़े हैं। अरे सर का नंबर, मिस्टर मेहरा का नंबर। सर इज रेडी टू गाइस देखे ये तब ना डर ना लागड़ी क्या पहले लग रहा था ना बहुत डर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जल्दी पहुंच गई थी, मजा आया। और 250 रुपया पर पर्सन है ये करने का। अब हम लोग सर बताएंगे आपको अपना एक्सपीरियंस। तो अपना तो यार मुझे डर तो नहीं लगी, मतलब एडवेंचर तो मैंने बहुत कर रखे हैं, एडवेंचर से खेलते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा जब ब्रेकिंग मतलब रोकने का क्या था वहाँ पे पता नहीं चला मुझे। हाँ। मतलब एकदम से झटका लगा थोड़ा, वहाँ पे लगी डर बस। और दीदी को भी हाँ थोड़ा पता नहीं चला, रुकेगा या उधर ही को तो नहीं जाएगा करके, लेकिन वो रुक गया था, रोक पाता नहीं, रोक पाता है करके। मतलब ऐसे गाइस और वाले खास जिसका नहीं जा सकता है, जिसका वेट 80 किलो से प्लस। सो गाइज अभी हम लोग जाने हैं ड्रेसिंग कार पे और हम लोगों ने दो कलर में जाने चाहिए हम लोग। मतलब अपने आप से लेके ना ऑटोमेटिक दबा के रखना पड़ेगा भैया, बाकी चलते कार वाला क्या बहुत मजे आए ये करने में। टावर वाला पता नहीं क्या टावर 360 का टावर। तो गाइस एडवेंचर पार्क में काफी मजे लिए हमने और राइडिंग भी हो रही है यहाँ। तो अब नेक्स्ट प्लेस देखो क्या आता है करके, कहाँ ले जाते हैं अंकल जी हमें करके।
और इसने नहीं किया, कार वाला क्यों नहीं किया इसने? कार में तो रोज बैठे, कार में तो हमने फुल मजे लिए। मतलब आप लो सोच रहे होंगे ना, ठोक पीटते और आते तो अंडरहैंड में, तो ड्राइवर वैसे भी मैं तो गाड़ी चलाता हूं, कार चलानी उसके लिए जैसा हो, उसमें तो फुल मजे लिए हमने। सो गाइस, यार गाइस हमने एक जगह पे कर चुके हैं एडवेंचर, कर दिया हमने एक जगह, दूसरी जगह में जा रहे हैं, देख लो क्या होता है। सो गाइस अभी आए हम हिमालय पॉइंट सेकंड पॉइंट पे, सेकंड प्लेस पे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या व्यू दिखता है। काफी लोग आए हैं यार, लेकिन यहाँ पे क्या बताऊँ आप, मैं स्मोक ही स्मोक कर रहे हैं। नशा मुक्त अभियान करना चाहिए यार हम लोगों ने ना। गाइस ये देख सकते हैं यार, टू सेकंड पॉइंट पे आए हैं अभी, एक तो नजारा दिखाता हूँ आपको। गाइस ये देख सकते हो यार आप, मतलब ना हिमालय नंदा देवी पंचाचोली ग्लेशियर, मतलब पूरा दिख रहा है इसमें, मतलब ये है हिमालय दर्शन। और इसका 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं भैया। गाइस अभी टाउन में जाने में असली डर लग रही है, वो गेम खेलने में जो कुछ डर नहीं लग रही थी, इसमें डर लग रही है। पूरा डाउन में गाइस, देखो ये पूरा डाउन है, ये पूरा डाउन में गाइस, यही तो एडवेंचर है। अब चढ़ाई एडवेंचर ही है, गेम से ज्यादा एडवेंचर तो मुझे इसमें लग रहा। सो गाइज अभी हम आ गए तीसरे स्पॉट पे, और यहाँ से दिखता है पूरा नैनीताल का व्यू। मैंगो शेप में दिख रहा है गाइज आप लोगों को, तो कमेंट करना ऐसे दिख रहा है, मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये देखो पूरा व्यू आ रहा है मैंगो शेप आम का आकार, तो ये है नैनीताल। इतने सारे नाव में ये सारी बोटिंग कर रहे हैं लोग, और हम इतने टॉप में आए। ये और ये हमारे यहाँ पे मैंगो पॉइंट पे हमें मिले हैं। एक मैं लेक व्यू पॉइंट में है, नैनीताल लेक व्यू पॉइंट यहाँ से दिख रहा है। अच्छा। यहाँ से जो लेक नजर आता है वो उल्टे मैंगो के शेप में नजर आता है। आप खड़े हैं संजय विष्ट के साथ, मेरा छोटा सा स्टॉल लगता है भेलपुरी पानीपुरी और चना चटपटे का। तो आपको अपना फेवरेट डायलॉग सुनाते हैं, खिलाएंगे भेलपुरी पानीपुरी चना बनाएंगे चटपटा मुँह कप बनाएंगे जायका पहाड़ी पे कराएंगे नाश्ता दिखाएंगे आम खिलाएंगे भेलपुरी पानीपुरी चना चटपटा। आप अपने मेहमानों की फरमाइश में एक गीत की चार लाइनें आपको सुनाएंगे और फिर उसी को हम उल्टा कर देंगे। ओके। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। अब इसी को उल्टा कर देते हैं। मत थसा हो बजने पुआ यानी धूप को खा दी गेंदे महतमों को ने जी के जदानो खासी गेंदे। ओके अभी खा रहे हैं गोलगप्पे, तो आपने सुना होगा अंकल जी ने कितना अच्छा सॉन्ग सुनाया करके, और उसी सॉन्ग को उल्टा करके भी सुनाया, तो बहुत अच्छा सॉन्ग था अंकल जी का। अब खा रहे हैं गोलगप्पे, देख सकते हो सनसेट हो रखा करते ही जहर वाला व्यू के मामले में तो यार उत्तराखंड वन ऑफ द बेस्ट। मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता तो अब गवर्नमेंट इसमें आर्टिफिशियल झील बना रही है। चल वो कर, जैसे जूम कर। अब अगले बार कभी भी आप आओगे ना मई जून के बाद, तो इसमें आपको आर्टिफिशियल झील में नहीं मिलेगी, गेम्स मिलेंगे, स्विमिंग वगैरह होगी इसमें, हर चीज एक्टिविटी होगी। सो गाइस ये है सुखादान, ये है जस्ट यूनिवर्सिटी के बगल में, और यहाँ पे बरसात के टाइम पे सिर्फ 2 महीने पानी आता है और 10 महीने पानी नहीं आता है। अब बाद में यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह बनने वाला है। हमारा चौथा पॉइंट है गाइस, अब हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे, कुछ खास खाने तो हम रुके नहीं यहाँ पे। यार अभी हम आए हैं 0.5 पे, 4 से ये है नेचुरल एसी गुफा, मतलब गर्मियों में ना यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती है। ये है स्पॉट 5, तो इसे बोलते हैं नेचुरल एसी, यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है गर्मियों में, और अभी भी बहुत ज्यादा हवा आ रही है, और साइड में भुट्टा वगैरह बन रहा है, तो हम तो जंगल के हैं तो अभी हम नहीं कर रहे, इससे अच्छा तो हमारे गांव में है। वही तो हम लोग बचपन में पिकनिक मनाने वहीं जाते थे, मैं तो बस एक बार गई हूँ। तो चल रहा हूँ क्लाइंबिंग, और NCC स्काउट वगैरह वाले बच्चे आते हैं, आजकल तो ये ऑफ है, और पत्थरों में सरिये लगे और वो दिख रहा ना ये स्टोन, पहले ये हाँ ब्राउन वाले में सिखाते हैं, फिर ये पत्थर वाले में जो रस्सी बंधी हुई है। गाइस अभी देख लो अभी आगे का व्यू ना, मतलब घोरा लगा हुआ है। और अभी टाइम 4 बजे ना, 4 बजे की ना, नहीं तो 5 बजने वाले टाइम हो रहा है बेटा, टाइम देखा ही नहीं।
तो 5 बजने वाला है। स्पॉट 6 ही है, लवर पॉइंट और सुसाइड स्पॉट लवर पॉइंट है और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है। तो यहाँ से नीचे को जाते हैं और कुछ खास व्यू है नहीं तो हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे पहले गई हूँ तो कुछ है ही नहीं गाइस इस साइड को, खाली टाइम वेस्ट है। एक तो कोहरा लगा है, नीचे का कुछ दिखेगा ही नहीं ये नैनीताल का। तो हम लोग वापस से चलते हैं हॉर्स राइडिंग करने के किसी को। तो यहाँ पे है हॉर्स राइडिंग गाइस, तो आप लोगों को राइडिंग करनी है हॉर्स राइडिंग तो आ जाना यहाँ पे। और गाइस टाइम हो गया 5:30, तो ऐसा लग रहा है कि कोहरा पूरा अंधेरा हो गया कोहरे को और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। तो हम लोग चलते हैं नीचे को, सनसेट भी हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा ना, पूरा वेदर बहुत अच्छा लग रहा है कोहरे को। तो गाइस ये थे हमारे 7 पॉइंट और 11 पॉइंट में आता ना वो खुरपा ताल और सरिता ताल, सरिता ताल और मनसा देवी मंदिर और बहुत सारी चीजें आती हैं। वाटरफॉल बाकी आप ये विजिट करोगे ना 11 पॉइंट वाला तो इसमें मिलेगा आपको। अभी हमने 7 पॉइंट वाला ही किया था, 7 पॉइंट वाला ही किया। अब जा रहे हैं हम बैक टू अल्फा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको अच्छा लगा तो शेयर या लाइक वो है 2 किलोमीटर और क्या बनता है मतलब आप ये लगा लीजिए यहाँ पे 2 किलोमीटर में जाएंगे खुरपाताल। तो यार गाइस अभी आ गए हम मार्केट में, एक्टिविटीज तो कर ही दी है हमने, अब देखो आगे को। हम लोग आ गए हैं घूम घाम के हर जगह से और बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है मुझे तो सच्ची में, बोला भी नहीं जा रहा है। और अभी हम लोग जाएंगे सीधे जहाँ से हमें गाड़ियाँ वगैरह मिलती हैं वहाँ जाएंगे, फिर मिलते हैं हम आप लोगों को। देखो अभी नैनीताल का व्यू जा एक रील बनाते करके बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहे थे, मैं रील बनाती फिर मिलती हूँ। 5:15 हो रहा है, मैं आइसक्रीम फिर घर जाके इसे जुकाम लगेगा, फिर मम्मी को मैं भड़काऊंगी। जुकाम लगा है, मैं तो दीदी के उसमें से खाऊंगी क्योंकि वो भी ज़्यादा नहीं खाती है ना, तो आगे भी मैं नहीं खाती। ये ब्लर वैसे हो रखे हैं जाने लगी है और ठंडा होने लग गया। अब आपको पूछगी गाइस स्टॉप पे उतर गए हैं बीजर में और मुझे बहुत ही ज़्यादा उल्टी जैसे हो गई है और एक तो माधुरी दीक्षित के जमाने के गाने लगाए थे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी हो गई गाइस। आज के बाद मैं नैनीताल को भी नहीं जाऊँगी, मरते मरते बचूँ मैं। और मेरा पाँव भी मतलब करेंट ही जैसा लग रहा था पहाड़ में, तो हो गया बोलते हैं। तो गाइस अब हम लोग जाते हैं और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी कंटिन्यू, टाटा बाय बाय। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है गाइस, मुझे कैसा लगा गाड़ी में, अजीब लगा था गाड़ी में तो। हाँ बहुत ही पुराने गाने लगाए थे गाइस, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे वो गाने बहुत अच्छे होते हैं बट गाड़ी में सुनने के लिए अच्छे नहीं होते हैं।